हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक भोले बाबा का मंदिर है। कहते हैं कि आज तक कोई भी मनुष्य सुबह का जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ा पाया है अभी तक। माना जाता है कि वहाँ पर काफ़ी साल पहले जमीन से शिवलिंग अचानक से प्रकट हो गए थे, और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुए थे वहाँ पर काफ़ी सारी परियां रहती थी, और कहा जाता है कि वहाँ की परियां सुबह का जल शिवलिंग पर चढ़ाती थी। जब मनुष्य को पता चला कि यहाँ पर भोले बाबा का शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो वहाँ पर मंदिर बना दिया गया और शिवलिंग पर सोचा गया कि चलो मैं जल चढ़ा दूं सुबह का। पर जब भी कोई भी मनुष्य यहाँ पर जल चढ़ाने आता था तो उन्हें जल चढ़ा हुआ मिलता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ पर कोई मनुष्य सुबह का जल चढ़ा पाया हो, क्योंकि वहाँ की परियां ही सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ा देती थी मनुष्य से पहले ही। मैं वहीं पर अभी जा रहा हूँ। मंदिर कैसा लगता है देखने में, और शिवलिंग कैसा है और वैसा प्रकट हुआ है, और मंदिर के पुजारी बाबा जी से हम पूछेंगे, और मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए और अभी वीडियो को देखते रहिए। लो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जमुनी माता टेंपल अभी, ठीक है। और आपको जो ये जगह दिख रहा है, यहाँ से लेके और मंदिर तक पूरा मंदिर का ही जगह है, और ये रहा आपका वहाँ से पीछे से लेकर पूरा का पूरा आगे तक ही पूरा मंदिर का जगह है ये। यहाँ पे अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि आज सोमवार नहीं है, आज संडे है, इसलिए भीड़ कम है। यहाँ पे सोमवार को काफ़ी भीड़ लगता है, ठीक है। यहाँ पे इतना भीड़ लगता है कि आप गाड़ी तक नहीं ढुका पाइएगा, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर गाइस। तो ये रहा आपका यहाँ पे तालाब है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका तालाब है। और ये रहा जोगिनी माता टेम्पल, और अभी तो यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, और ये है तालाब, और ये छोटा सा कुआँ, और ये रहा मंदिर, साइड में मंदिर है। और जोगिनी माता यहाँ आगे में भोले बाबा का शिवलिंग है, ये छोटा सा कुआं, शिव शक्ति सेवा स्थान। शिव शक्ति सेवा स्थान जोगिनी माता टेम्पल है, समझा, यही जोगिनी माता टेम्पल है, कोई बोलने वाला चर्चा है ही नहीं।
अपने से भरना होगा लगता है। नहीं दे दो, दो दो देना, दो पानी यही भर लो। चलो हेलो गाइस, अभी जैसे कि अभी हम लोग आ गए हैं जोगनिंग टेंपल और यहाँ पे बाबा जी हैं। आपको बताएंगे इस जगह के बारे में कि यहाँ का क्या था, यहाँ पे क्या पहले कैसे परियाँ आती थी, कैसे यहाँ पे भोले बाबा का यहाँ का स्थापित हुआ गया है सारा कुछ बताइए थोड़ा इस जगह के बारे में। भैया दुनिया का पुस्तैनी बतावत है कि गुफा के अंदर जो तालाब है मंदिर रहा है ये मिला है कहीं जो वही लोग आज भी बिना पूंजे लाट नहीं मिला। अच्छा अच्छा, आज भी बिना जल चढ़े लाट या नहीं मिला था दूसरे। अच्छा बाबा जी, जैसे कि यहाँ पे सब कोई बोलते हैं कि कोई जल आज तक नहीं चढ़ा पाया है सुबह का, तो परिया आती थी यहाँ पे जल चढ़ा के चली जाती थी, इसी वजह से जोगनी के नाम के प्रसिद्ध ने सुने सिर्फ लाट गए। अच्छा जोगनी माता भी हो गई। अच्छा जोगनी माता भी हो गई। अच्छा अच्छा, तो और यहाँ पे मतलब ये कब से मतलब का कितना साल हो गया है? इसका कोई इतिहास नहीं है सर, इसका कोई नहीं बता सके, ना ये मंदिर के बारे में बता सके, ना इनके बारे में बता सके, कि इतिहास नहीं। और ये कि पत्थर तालाब में भरा कि आदमी के निकाल नहीं निकली। अच्छा, तो वहाँ पे एक तालाब है, तालाब के वहाँ पे जी पत्थर पड़ा हुआ है, लाखन पत्थर है ये। अच्छा अच्छा, तो उस जमाने में ये मतलब कोई साधक नहीं रहा, कैसे आवा सब देवन विश्वकर्मा लोगन का कार्य। अच्छा अच्छा, उनका महिमा। अच्छा, अब जो मन्नत वाला आदमी ज्यादा आवत है। अच्छा, ये भोले बाबा का ये जो लिंक है ये पहले से ही है? नहीं सर, ये निगरी लाट है। अच्छा, ये निगरी लाट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़े बड़े विद्वान आए हैं काशी तक का, लेकिन कहीं ऐसी हम लाट नहीं देते। अच्छा, मतलब खुद ही प्रकट हो गए। हाँ, तब तो देवी लोग जल चढ़ाए हैं, देवी लोग जल चढ़ाने आए। पहले परिये लोग आती थी जल चढ़ाने के लिए, फिर कुछ आदमी आने के वजह से फिर वो आदमी की वजह से तब जनते जनता जनता आवाला तो तब से प्रॉब्लम हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू बाबा जी यहाँ का बताने के लिए, आप धन्यवाद। यही जोगनिंग माता टेम्पल है। भोलेनाथ जी हाँ, लोटा ले ले, दो लोटा ले लेना। मंदिर है,
और भी करना पड़ता है कि हवन करें।